नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर यादव पर। और दोस्तों, जो एंट्री एग्जिट एंड टू फाइंड द स्टॉप लॉस वो जो वीडियो थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी वीडियो को दोबारा बनाया जा रहा है। तो आई होप कि आप समझ जाएंगे कि क्या टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी एक बार अगर आप निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे तो ये अभी इसने काफी दिन बाद एक लोअर लो लोअर हाई बनाया है, बट आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक इन इट कि एटलीस्ट 11,985 तक तो जाना चाहिए, 11,980 बोल सकते हैं। उसके बाद ये रिट्रेस करे और फिर शायद एक लाइफ टाइम नया हाई बना दे। तो निफ्टी को चलिए वॉच करते हैं। अभी तो नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, रिजल्ट सीजन है, तो आई होप कि एक नया लाइफ टाइम हाई मिलेगा, 12,200, 300, 400 जितना भी जाता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या कैसे क्या चलता है। तो दोस्तों, जो लास्ट वीडियो में बनाई थी उसमें वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही थी कि वॉल्यूम समझ नहीं आ रहे थे। तो अभी हम देखते हैं कि कोई स्टॉक टीसीएस, टीसीएस को नहीं करते हैं। टेकम को मैंने किया था अभी थोड़े दिन पहले, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें टेकम के बारे में बोल रहा था, तो एक बार उसी को ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये टेकम का डेली चार्ट है एंड टेकम को ओपन कर लेते हैं एक बार 5 मिनट्स के चार्ट में भी। तो 5 मिनट्स के चार्ट में भी टेकम को ओपन कर लिया। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज होने वाली है उनको मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़े प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये ओके। तो देखिए, इसमें मैं जो दो चार चीजें यूज करने वाला हूँ वो पहला है, मैं मान लो बोलता हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो मैं रेजिस्टेंस यूज करूंगा उसमें फॉलिंग कैंडल, फॉलिंग कैंडल मतलब रेजिस्टेंस जो बनाएगा वो कैंडल का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब प्राइस इस कैंडल के नीचे क्लोज होगा। मैं एक बार इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, तो ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी आप लोगों को। ठीक है, और जो दूसरी कैंडल होगी वो ऐसी कुछ दिखने वाली है। ठीक है, और ये हमेशा इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, तो जो इसमें जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, तो इस लाइन को, जो ये लाइन होगी ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, ये रेजिस्टेंस की लाइन। ठीक है, बाद में इसको हटा देंगे हम। ठीक है, जो ये लाइन नीचे वाली लाइन है इसको हटा देंगे। फिर बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट को मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। तो जो सपोर्ट हमारा होगा वो ऐसा कुछ होगा कि एक ये कैंडल बनी, उसके ऊपर दूसरी कैंडल। ठीक है, उसमें भी उसका प्राइस क्लोज इसके ऊपर होगा। ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट लाइन होगा और ये सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, जो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो अगर आप बात करें, ये हमारी सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, ये हमारी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, ये हमारी सपोर्ट लाइन और ये रेजिस्टेंस लाइन। जब मैं बाद में बात करूंगा तो ये हमारी रेंज कुछ ऐसी होगी कि ये रेजिस्टेंस होगा और ये एक सपोर्ट होगा और इसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, अभी उसके बाद जब मैं बात करूंगा कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ सेल कैंडल देखेंगे या बाई कैंडल देखेंगे तो वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम चेक कर रहे हैं कि पहले सपोर्ट बना, उसके बाद रेजिस्टेंस बना। अब रेजिस्टेंस बना तो अब मुझे एक बाइंग कैंडल देखनी है। तो बाइंग कैंडल का मतलब है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम्स हमारी कुछ ऐसे चल रही है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके चल रही है। एक वॉल्यूम ऐसा आता है जो कि ग्रीन कलर का होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कलर का वॉल्यूम है। ठीक है, और इसमें ये जो कैंडल होगा ये हमारा होगा बाइंग कैंडल। सिमिलर वे हमारी मान लो हम फिर सेलिंग कैंडल देखते हैं, तो वो मान लो कुछ ऐसे चल रही है वॉल्यूम्स की, और फिर अचानक से एक रेड कैंडल ऐसे जाती है जो प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम को ब्रेक करती है, तो उसको हम बोलेंगे सेलिंग कैंडल। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये हमारा ऐसे करके रेजिस्टेंस बनता है, ये मैंने पहले भी आपको वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ऐसे करके हमारा सपोर्ट बनता है प्राइस इस हाई को, पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, और
रेजिस्टेंस में प्राइस क्लोज होता है नीचे की तरफ विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद अगर जो रेंज बनती है वो रेंज ऐसी कुछ होती है, ये जो एक कंप्लीट रेंज फॉर्म होगी, और उसके बाद जो बाइंग कैंडल होगी वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल होगी, और जो सेलिंग कैंडल होगी वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ एक रेड कैंडल होगी। तो अभी आई होप कि ये समझ आ गया होगा। उसके अलावा जो इसमें यूज होने वाला है, जो एक और जो टर्म इसमें यूज होगी, मैं वो भी बता देता हूँ कि जब भी हम ये सब चीजें मार्क करेंगे तो हमारी जो लाइंस होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, उसके बाद रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, रेजिस्टेंस लाइंस। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये कुछ नंबरिंग ऐसे होगी कि 1, 2, 3, 4, और ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस चेंज होता है तो इसका मतलब हमने जो मार्क किया है वो गलत है, हमें सारी चीजें दोबारा से मार्क करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नंबर 1 लाइन रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है, नंबर 2 लाइन इज रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, देन दिस इज सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, दिस इज सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो ये एक जो बेसिक है इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर कि कैसे इस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये टेकम का है अपना चार्ट। एक बार टेकम को अगर आप डेली में देखने की कोशिश करते हैं तो एक बार हम इसका एक सिंपल सा जिगजैग बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैं ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं ले रहा, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ से इसने नीचे जाने की कोशिश की, तो मतलब ये लो ब्रेक किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रुक गया, और उसके बाद ये हाई पर ब्रेक करने लगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसने यहाँ तक हाई ब्रेक किए, और उसके बाद इसने फिर से लो ब्रेक करना शुरू किया, यहाँ पर इसने लो ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली हाई ब्रेक कर रहा है, हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक मार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब जब देखिए यहाँ पर, अब मैं एक जो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बता देता हूँ कि कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना था कि किस दिन ट्रेड होना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब ये वाला हाई बनने लगा तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रहा था कंटिन्यूअसली, और ये वाला जो कैंडल है अपना, जो कैंडल है अपना, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, जो ये वाला कैंडल है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्राइस सॉरी वॉल्यूम आया था। तो ये इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम वेट करते हैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का, और वो रिट्रेसमेंट कैसा होता है कि किसी दिन प्राइस इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो मैं उस लाइन उस वाली कैंडल को भी मार्क कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर वॉल्यूम है 3116, 3116 इसमें, अच्छा मैंने वो सेलेक्ट कर लिया तो इसलिए वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा। एक बार ये देखिए, यहाँ पर है 55, यहाँ पर है 57, ठीक है, उससे पहले यहाँ पर है 56 और यहाँ पर है 58, ठीक है। तो देखिए, जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर बढ़ता दिखाई देने के कि यहाँ पर वॉल्यूम आ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला गया है। और एक बार इस लाइन को मैं मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पर जाकर इसने कंफर्म किया इस दिन पर कि ये ऊपर चला गया है, और अभी थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, ठीक है। तो ये हम जो बेसिक अपना जिगजैग पैटर्न बनाते हैं उस हिसाब से। अब मैंने जिस दिन इसको ट्रेड किया था वो दिन था ये वाला दिन, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इसको ये वाला दिन, ठीक है। इस दिन पर मैंने इसको ट्रेड किया था, और उस ट्रेड करने का रीजन भी मैंने आपको जो पीछे वाली जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया था कि ये जब ये जिगजैग पैटर्न में इसमें ऊपर जाने की स्टार्टिंग हुई तो ये पता था कि ये किसी न किसी दिन रिट्रेस करेगा और वापस से अपने सपोर्ट लेवल पर आएगा, ठीक है। और जब अगर आप इस कैंडल इसमें अगर आप देखेंगे, जो डाउन लेग था अपना, उस डाउन लेग में जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था, एक बार चेक कर लेते हैं, ये है 33.9, 339, उसके अलावा ये है 294,
270 328, तो ये वाला कैंडल, ठीक है। तो मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये याद रहे कि एक इम्पोर्टेंट कैंडल का लेवल है। ठीक है, तो ये मैंने येलो कलर से मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब ये पता था कि ये यहाँ पर आ गया है, इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअसली 2 3 दिन ऐसा ही दिख रहा था, और 2 3 दिन इसने कंफर्म किया। अब हम इसको इस दिन पर बाई कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो खैर जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला दिन था, मुहूर्त ट्रेडिंग को हमने कंसिडर नहीं किया, लेकिन मतलब जो भी अपना ट्रेडिंग डे होने वाला था तो उस दिन पर हम इसको बाई कर सकते थे। लेकिन एक बार चलकर देखते हैं इस वाले दिन को, जो ये दिन था अपना 25 अक्टूबर, इसको 5 मिनट में चेक करते हैं। और जो अपना ये वाला लेवल था, ये सॉरी, ये वाली कैंडल है 20 सितंबर, ठीक है। तो एक बार 20 सितंबर के लेवल को मार्क कर देते हैं जल्दी से, ताकि पता चले कि कैसे वो चीज यहाँ पर आई थी। तो ये है अक्टूबर, और 30 सितंबर, 24 सितंबर, ओके, दिस इज 20 सितंबर, ठीक है, ये वाला दिन था। तो एक बार यहाँ पर जाकर चेक करते हैं कि क्या हुआ था। तो देखिए, इस दिन अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर दिन का हाई बना था, और यहाँ पर बोल सकते हैं दिन का लो बना था, इससे नीचे भी लो आया है क्या? तो एक बार देख लेते हैं, ये लो है 699.55, और जो ये लो है 698, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन ऐसे थी, ठीक है। तो ये वाली लाइन ऐसे थी, तो हम बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड था, तो जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था वो ये वाला था। और जो ये वॉल्यूम है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ कि कौन से वाला था वॉल्यूम, ये वाले दिन पे, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर दिया, ये कैंडल है कितने बजे की, 13:50, यानी 1:50 की कैंडल है ये। अब 1:50 की कैंडल के लेवल को थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो 1:50 की कैंडल है ये वाली, ठीक है, मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, और इसके लेवल्स एक बार देख लेते हैं। ये है हाई बनाया था इसने 750 का, तो मैं इसको एग्जैक्टली वहीं पर डाल देता हूँ, 750, और इसका कलर चेंज करके हम कर देते हैं ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर हो गया, और जो नीचे वाला लेवल था वो था ये वाला, इसके लेवल, इसका लेवल है 700.05। तो ये है अपना 700.05, ये है 700 पॉइंट, ये कितने बजे की कैंडल है, 13:45, 13:45, 700.05, जो ऊपर का लेवल था वो था 700.85, सॉरी, ये 700.85 का लेवल है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ 85, और इसको अप्लाई कर दिया मैंने, क्या हो रहा है ये, 20 13:45, 13:45, ये कैंडल कितने बजे की है, 13:50, ये 13:50, सॉरी, ये यही वाला है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। और ये जो लेवल है, ये है, ये लेवल था अपना, ओके सॉरी अटक जाता है, इसलिए 698.45, तो 698.45, और मैंने इसको भी कलर से मार्क कर दिया ग्रीन, ठीक है। और ये था 700.5, ठीक है। तो ये हमने मार्क किया है कौन से दिन का कैंडल, ये हमने मार्क किया है ये वाला कैंडल 20 सितंबर को। तो ये 20 सितंबर का कैंडल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था इस ट्रेंड के अंदर वो ये वाला था, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और चलकर देखते हैं कि किस दिन का लेवल था, ये था ये वाला दिन। तो इसको हम बोल सकते हैं 25 तारीख को। तो ये देखिए, 25 25 कहाँ पर है, 15,
1921, ठीक है। तो ये वाला वो दिन था 25 दिसंबर को, सॉरी 25 अक्टूबर, ठीक है। तो ये वो लेवल थोड़ा सा नीचे है, इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो हमने जो ये कैंडल मार्क की थी उसके एक इम्पोर्टेंट लेवल को मार्क कर लिया, ठीक है, और इसके हाई और लो को मार्क कर लिया। तो जो इसका हाई था वो था 7, एक मिनट, इसका जो हाई था वो था 716 और इसका जो लो था 696। तो इसका मतलब है कि जो वो जो लाइ हमारा जो 25 तारीख को जो सपोर्ट बना वो उस इस कैंडल के अंदर बनना चाहिए था और वो इसने बनाया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है, अब हमें इसमें बनानी है मान लो एंट्री, ठीक है। तो अब एंट्री बनाने के लिए हम पहले दिन देखते हैं कि पहले दिन क्या हुआ था। पहले दिन इसने हाई ब्रेक किया था, तो इस दिन भी इसका हम जो मोमेंटम समझ रहे हैं वो हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए मतलब कि इसको आज भी हाई ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो जब हाई ब्रेक करता है तो हम सबसे पहले, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको आज के दिन ट्रेडिंग करनी है, लेट्स से कि टुडे इज 3rd of November, तो आप देखेंगे कि 2 तारीख को उस जो स्टॉक ने हाई ब्रेक किया कि लो ब्रेक किया। अगर हाई ब्रेक किया तो आप उसमें रेजिस्टेंस ढूंढेंगे सबसे पहले, फिर सपोर्ट ढूंढेंगे, और अगर उसने लो ब्रेक किया तो आप उसमें सबसे पहले सपोर्ट ढूंढेंगे फिर रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। तो अभी ये बात है 25 तारीख की, तो 25 तारीख को आप लोगों ने देखा कि 24 तारीख को इसने हाई ब्रेक किया था। तो हाई ब्रेक किया था मतलब सबसे पहले रेजिस्टेंस देखेंगे। तो अगर आप पहले रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ही इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ आपका प्राइस नीचे गिर गया, जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन हो गई, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई, ठीक है। तो जो सबसे रेजिस्टेंस पड़ने से पहले का जो हाई था वो रेजिस्टेंस लाइन हो गई, और जिस कैंडल पर ये कंफर्मेशन आया था वो कंफर्मेशन लाइन हो गई। अभी अभी क्या होगा कि अभी हमारे पास सपोर्ट आएगा, रेजिस्टेंस मिल गया, तो मैं इसको एक बार रेड कैंडल से मार्क कर देता, सॉरी इसका कलर रेड कर देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस बन गया हमारा, पहले मैंने इसका रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, और इस कैंडल को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि हमारा रेंज का वो बन जाए, ठीक है। अभी सपोर्ट, अभी देखना है कि कहाँ इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेक हुआ। तो आप यहाँ पर 2 कैंडल देख सकते हैं, मैं इनको मार्क कर देता हूँ, जो अपनी ये वाली 2 कैंडल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना जो प्राइस है वो वॉल्यूम ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है और ऊपर क्लोज भी हो गया। तो ये कैंडल है 10 बजे और 10:05 की, इसका मतलब यहाँ पर अपना एक सपोर्ट जनरेट, सपोर्ट कंफर्म हो गया। तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ ग्रीन कलर से, और जो ये लो है ये हमारा हो गया सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो इसका मैंने, ठीक है, अभी आप देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन जो ये वाली है, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लाइन सबसे पहली, ये रेजिस्टेंस लाइन, उसके बाद है रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, ठीक है, उसके बाद है अपने पास सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, और उसके बाद है अपने पास सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो देखिए ये चारों सीक्वेंस में है, एक बार व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। ये पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, सपोर्ट लाइन। तो इसका मतलब ये चारों सीक्वेंस में है, तो इसका मतलब सब कुछ हमने सही मार्क किया है। तो मैं अभी इनको हटा देता हूं, और अब हम देखते हैं कि ये मैंने इसको, चलो इसको बाद में हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो सब कुछ सीक्वेंस में, तो मैं इनको हटा रहा हूँ, जो बीच के लाइन है इनको हटा रहा हूँ, ये अपने पास एक रेंज फॉर्म हो गई। अब सपोर्ट आया था अपना यहाँ पर, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि दोबारा जो लाइन हो, ठीक। अब हमें क्या देखना है, देखिए पहले सपोर्ट, सॉरी पहले रेजिस्टेंस बना फिर सपोर्ट बना, अब हमें देखना है सेलिंग कैंडल, क्योंकि रेजिस्टेंस बना था तो इसको गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें सेलिंग कैंडल देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेलिंग कैंडल कहाँ पर आया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो कैंडल है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ सेलिंग कैंडल, जो कि है ये, ठीक है। ये कितने बजे था, 10:55, तो 10:55 ये वाला,
ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है बाइंग कैंडल, ठीक है। तो आप ये देखिए 11 15 11 20 वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, अपोलॉजीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो ये कैंडल है 11:20 की, तो मैं इसको भी एक बार मार्क कर देता हूँ, 11:20, ठीक है। तो ये 11:20 का कैंडल है, इसके मैं हाई और लो को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना लाइन, जहां से आपको मतलब आपका स्टॉप लॉस मिल जाएगा कि ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा और यहाँ के नीचे आपका जो ये लेवल है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। हालांकि जब आप थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे ये यहाँ पर ब्रेक कर देगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर मतलब जो अपना ये वाला लेवल है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब ये ब्रेक कर देगा तो यहाँ पर हम एंट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपका एंट्री मिला नहीं, क्योंकि जब ये ब्रेक करके वापस आता है इस लेवल के अंदर तब हमें मिलता है एंट्री अपना, ठीक है। और ये वाला जो लेवल होता है ये स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। मेन स्टॉप लॉस ये होता है कि ये यहाँ पर ट्रेवल नहीं करेगा अभी, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि ये मान लो आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ये 717/22 होता, तो आपको 0.5% का एसएल लगाना है, तो आप लगाएंगे 4 रुपए का, तो ये 711 के आसपास होता, जो कि लेवल आता आपका ये वाला आई थिंक, ठीक है। ये वाला जो आपका लेवल था ये होता आपका स्टॉप लॉस, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आप लोग एक एक करके इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए इस दिन हमें एंट्री नहीं मिली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ सबको। अब हमें इस दिन एंट्री नहीं मिली, ये मुहूर्त ट्रेडिंग थी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम अगले दिन देखते हैं कि क्या हुआ। अब देखिए ये बात कर रहे थे हम 25 अक्टूबर की, इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए इस दिन इसने लो ब्रेक किया, इसने लो ब्रेक किया, ये बात है 29 अक्टूबर को हम चेक कर रहे हैं। तो 29 अक्टूबर से पहले जो लास्ट ट्रेडिंग डे था वो था हमारा 25, तो उस दिन लो ब्रेक किया। लो ब्रेक किया इसका मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे सपोर्ट। तो अगर आप सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, ये सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन हो गई आपकी, ठीक है। फिर आप रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक सेलिंग कैंडल, तो जो आपकी, एक मिनट मैं इसको रेंज को मार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, और इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि सब लाइनें सीक्वेंस में ही है यहाँ पर, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ये सॉरी ये ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। ये अपनी रेंज बन गई। अब उसके बाद हमें देखना है बाइंग कैंडल, यहाँ पर बाइंग कैंडल, और यहाँ पर कहीं आया सेलिंग कैंडल। तो ये जो ब्रेकआउट होगा इसके बाहर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। खैर इस दिन तो आप जैसे भी एंट्री लेते, जो भी मेथड से एंट्री लेते, आपको एक अच्छी खासी वो मिलने वाली थी। बट अगर आप तरीके से ट्रेडिंग करते तो आपको शायद यहाँ पर भी एंट्री नहीं मिलती। देखिए उसका रीजन क्या है कि क्यों एंट्री नहीं मिलती, इस मेथड का सबसे जो बड़ा आपको मैं एक ड्रॉबैक कह सकता हूँ, वो ड्रॉबैक यही है कि इसमें एक तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, क्योंकि पहले एक सपोर्ट बनना चाहिए या रेजिस्टेंस बनना चाहिए, उसके बाद उसका कॉन्ट्रा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही बनना चाहिए, ठीक है। फिर हम एक सेलिंग कैंडल का वेट करते हैं, फिर एक बाइंग कैंडल का वेट करते हैं, फिर उसके ब्रेकआउट का वेट करते हैं, और तब तक ना कई बार ये होते होते ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा दिन निकल जाते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर ये मिली थी एंट्री, यहाँ पर आप देखिए 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जो ये वाली कैंडल थी इसको 11:50, इसको होते होते 11:50 हो गए हैं। तो ये देखिए आपको ये 11:50 की कैंडल कौन सी है, 11:50, 11:40, 50, ठीक है। ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट होते होते देखिए कितना बज गया, 12 बज गया, आपको 12 बजे एंट्री मिली है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बस यही है कि इसमें आपको एकदम पेशेंस के साथ बैठकर देखना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो आउटपुट होता है वो इतना सॉलिड होता है कि आपको अगर महीने में 3 ट्रेड भी मिल गए तो आप 1:4 के ना अगर 3 ट्रेड भी कर लेते हैं ना, तो आपको उसके उससे ज्यादा ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाती है। मतलब आपको 3 या 4 ट्रेड मिल गए आपका काम खत्म, 1:4, आप 2 लॉट 3 लॉट जितने से भी आपका अपना जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं, ठीक
ठीक है, तो आपको दोबारा, अब देखिए इसमें मान लो जो स्टॉप लॉस होता, वो स्टॉप लॉस अगर हम जो जेन्युइन स्टॉप लॉस बताते हैं वो 725 का, अदरवाइज ये यहाँ से इसने स्विंग का लो बनाया था, यहाँ से हायर हाई बनाना शुरू कर दिया था, मतलब ये यहाँ पर भी ट्रेवल नहीं करेगा वापस अभी। 729 एंट्री है आपकी कितने पर, 730, जो ये एंट्री बनी है ये है 733, 4 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट आपका मान लो 1:4 है, तो 4 चौक 16, 16 रुपए का, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 49, ठीक है। तो 49 का आपको यहाँ कहीं पर मिल जाता, ये है इसमें, इसी कैंडल पर आपको मिल जाता ये, ठीक है। बस इस वाले जो मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, नहीं एक्चुअल में ये मेथड सबसे पहले इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसी से आपका पेशेंस चेक होता है, कि आप अगर इस मेथड को भी कर लेते हैं, इस मेथड के थ्रू भी आप एंट्री एग्जिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाते हैं। दूसरी चीज, जो एक चीज है कि कई बार आपको, देखिए मैं आपको कोई एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, कि किसी दिन जब ये फेल होता है मतलब आपको एंट्री नहीं मिलती, तो उसका मैं बताऊंगा कि मैं क्यों वो एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो अभी इन्फी इन्फी है क्या एडिट, हाँ इन्फी को मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो उससे आपको समझ आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला दिन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चला था कि ये गिरा है, अब हमें बाई करना है, ठीक है, बाई करना है। तो मान लो ये वाले दिन पे ये गिरा, तो अगले दिन तो हम वेट करेंगे, जब इतना बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो अगले दिन ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ था। अगले दिन मार्केट का ट्रेंड बताता है कि यहाँ पर सेल हुआ था या बाई हुआ था, तो हमें अगले दिन पता चल गया कि यहाँ पर बाई हुआ था, क्योंकि अगर सेल हुआ होता तो ये इस लो के नीचे क्लोज होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो इतनी बड़ी वॉल्यूम आई थी, ये किसी ने बेचा तो तुरंत खरीदा भी गया ये, ठीक है, इसका मतलब बाइंग बनी है वहां पर। अब हम देखते हैं इस दिन की, जो ये है 24 तारीख, तो 24 तारीख को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सिंपली मैं कुछ भी वो नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को बताने की, जो चीज समझाने की कोशिश करूंगा वो समझने की कोशिश करना, मैं उसको टेकम के साथ भी कंपेयर करूंगा, ठीक है। सॉरी, अब मान लो ये दिन है अपना 24 तारीख, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पहले दिन क्या हुआ था, लो ब्रेक हुआ था, इसका मतलब सबसे पहले सपोर्ट ढूंढेंगे। तो ये है अपना 23, ये है 24, सबसे पहले सपोर्ट ढूंढेंगे। चलिए, तो ये यहाँ पर कहीं ओपन हुआ, सपोर्ट हमें यहाँ मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिल गया, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस इसके अंदर, तो ये कितने बजे का कैंडल है जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, 10:45 एंड 10:50, 10:45, 10:45, 10:50, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आया है, तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस है अपना, और ये हो गया अपना रेजिस्टेंस लाइन, और यहाँ पर हो गया अपना सपोर्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पर हमें वो मिल गया था, तो मैं इसी लाइन को नीचे ले आता हूँ, तो ये अपना हो गया सपोर्ट लाइन, ठीक है, ठीक है। अभी सपोर्ट लाइन आ गया, रेजिस्टेंस लाइन आ गया, अभी हमारे पास एक क्या आना चाहिए, 10:45 के बाद, 10:45 यहाँ पर हुआ था, तो इसके बाद हमें देखना है एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ बाई कैंडल, तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है ये है 12:10 की, ये बाई कैंडल आ गया। उसके बाद हमें एक देखना है सेल कैंडल, तो ये देखिए 12:10 के बाद सेल कैंडल हमें मिला है यहाँ पर 12:45, तो 12:45 की कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ 12:45, ठीक है, ये अपना 12:45 की कैंडल, ठीक है। अब देखिए हमें बाई करना था, तो जब ये बाई नहीं होगा ना, जिस दिन ये इस लेवल को बहुत रेयर केस में ब्रेक करता है, ठीक है, इसमें ब्रेक नहीं करेगा, अब इसके पीछे का साइंस क्या होता है, देखिए इसके पीछे का साइंस ये होता है, अगर आप इस चीज के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, कि अगर मार्केट में किसी स्टॉक को ऊपर जाना है, तो पहले सपोर्ट आया, रेजिस्टेंस आया, जो भी आया, जब हमारे पास बाइंग कैंडल आ जाती है या सेलिंग कैंडल आ जाती है, मान लो ये सेलिंग कैंडल आई, सेलिंग कैंडल के बाद जो ऑब्वियस बिहेवियर है वो क्या है, कि इसको नीचे गिर जाना चाहिए, इसने वही किया, ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पर हाइपोथेसिस बना के बैठे थे कि बाई होना चाहिए, तो अगर मान लो यहाँ पर इसको बाई करना है और ये इतना
मतलब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये इस रेजिस्टेंस को या इस सेलिंग कैंडल को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है कि ये अपने ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये जो सेलिंग आई थी ये इसको नेगेट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जब भी ये इसको नेगेट करने की कोशिश करेगा, तो जब ये सेलिंग कैंडल आती है ना, तो स्टॉप लॉस लगते हैं, जब वो स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो प्राइस अचानक से मूव करता है। इसीलिए इसमें जो मोमेंटम होता है ना, वो एकदम फास्ट मोमेंटम होता है। ठीक है, आपको मैंने देखिए टेक में भी दिखाया था कि यहाँ पर तो भी कई दिन से रुका हुआ था, जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट होने लगे, देखिए इतना स्पीड से मोमेंटम आया। उसके पीछे की साइंस ये होती है कि हम जब एक सेलिंग कैंडल या बाइंग कैंडल ढूंढ के उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश करते हैं, तो उसका मतलब है कि अगर सच में उसमें मोमेंटम होगा तो ही ये इसको ब्रेक करेगा, अदरवाइज ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगले दिन पे हम बात करते हैं, तो देखिए ये यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक नीचे आया था। ठीक है, मतलब लास्ट में भी गिर ही गया आखिरकार ये। हाँ, तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ पर बाइंग ढूंढ रहे थे और आपको देखा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर इसने ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पर सेल कर दोगे। ठीक है, क्योंकि अभी चार्ट बन गए हैं तो बहुत आसान लग रहा है कि यार मैं यहाँ पर सेल कर देता, 744 का लेवल था, सॉरी 644 का, और अगर मान लो मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो मान लो मैं यहाँ कहीं लगाता, तो 4 रुपए का भी नहीं, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगता और 9 रुपए मेरे को लेने थे तो 9 रुपए मेरे को आराम से मिल जाते। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी चार्ट बन चुके हैं, जब चार्ट नहीं बने होते तब आपको हर इस ग्रीन कैंडल के साथ इमोशन आते कि यार ये तो मैंने गलत बाई कर लिया या गलत सेल कर दिया। तो मैं जो टेकम में और उसके थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ ट्रेक किया और हमारा हाइपोथेसिस भी था कि हमें बाई ही करना है, तो हमने इसलिए इसको बाई किया। लेकिन अगर मान लो वो चीज नहीं होती है और आपको ऐसा दिखने को मिल जाता है, तो आप सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो आपने मार्केट में आने से पहले हाइपोथेसिस बनाया था रात को एनालिसिस करके या मॉर्निंग में जो भी एनालिसिस करके अपने हाइपोथेसिस बनाया, उसी के बेस पर चलना है, उसके अलावा मार्केट जो करती है उसको करने दो। ठीक है, आपको वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मान लो अभी तो इसमें लग रहा है कि ये नीचे गिर गया, लेकिन क्योंकि हम लोगों को लग रहा है यहाँ पर देखकर कि इसमें बाइंग हुई है, तो जिस दिन ये अगर मान लो इसको घूमना होगा, तो जो और भी हमारे मेथड है, जो और मेथड मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि मैं इस मेथड मेरा ये मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। जब आपको 4-5 मेथड मिल जाएंगे इन चीजों के, तो आपको समझ आएगा कि ये कौन से मेथड से ट्रेड हो सकता था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड होता, ब्रेक इनसाइड, वो सब चीजें भी आएंगे, तब आपको समझ आएगा। तो अभी इस मेथड को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक छोटा सा जो डिफरेंस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाइपोथेसिस जो बना दी उसी के साथ रहना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। ये नहीं है कि सेलिंग दिखी आपको किसी ने, आप आजकल क्या होता है कि हम लोग कई ग्रुप ज्वाइन करके रखते हैं, तो उस ग्रुप में जैसे ही आपके पास आया कि अरे मैंने तो इन्फोसिस को सेल किया, मुझे 2% मिल गया, आपको फिर लगेगा कि मेरे को भी ऐसा कर, क्योंकि उस केस में आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका, मैं ये सभी लाइनें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगले दिन का देखते हैं, अगले दिन क्या हुआ था। अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसने ना तो हाई ब्रेक किया इस वाली कैंडल का, ना लो ब्रेक किया, तो हम इस कैंडल को इग्नोर कर देंगे, हम इस कैंडल को अब नहीं कंसिडर करेंगे, हम इससे पहले जो हुआ था उसी को मान के चलेंगे। लो ब्रेक हुआ था तो हम इसमें फिर से पहले सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये इस दिन की बात हो गई थी, अभी ये है 25 तारीख। 25 तारीख को भी हमारा हाइपोथेसिस बाई का ही है, क्योंकि इस वाली जो कैंडल ने, जो 24 तारीख की कैंडल है, इसने हमें कुछ नहीं बताया कि हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो हम अभी पहले वाले हाइपोथेसिस के ऊपर ही रुके हुए हैं कि हाँ हमें अभी भी बाई ही ढूंढना है। ठीक है, अब अगले दिन हम मान बात करते हैं 25 तारीख की, तो वही सबसे पहले लो टच किया तो सबसे पहले सपोर्ट दिखेगा, तो ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट आया। ठीक है, तो ये अच्छा है कि इसमें वो वाला केस क्लियर हो जाएगा, ये सपोर्ट आया तो ये सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन बना दी मैंने। ठीक है, ये सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन बन गई, तो इसके नीचे से, इसके बनने से पहले का लो यही है, तो मैं इस लाइन को मार्क कर देता हूँ, तो ये लाइन मार्क कर दी। ठीक है, अभी इसमें रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो अभी रेजिस्टेंस ढूंढते हैं इसमें, तो सपोर्ट बना कहाँ पर, सपोर्ट बना हमारा 25,
ठीक है, यहाँ पर अपनी सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, और जो ये लेवल था अपना, ये हो गया सपोर्ट लाइन, तो इसको मैं भी ग्रीन से मार्क कर देता हूँ और थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ। तो चलो ठीक है, अभी रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो वॉल्यूम 224, तो इसका वॉल्यूम देखते हैं, इसके बाद कहाँ पर वॉल्यूम आया, 12 14, तो इसका क्लोज प्राइस एक और देख लेते हैं, 644.65, और इसका है 60। हाँ ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस की कंफर्मेशन लाइन है वो यहाँ पर कहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि पहले रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, सपोर्ट लाइन। यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन यहाँ पर है, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन नीचे आ गई। इसका मतलब हमने जो मार्किंग की है वो गलत मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी बना ही नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि या तो अब ये सपोर्ट रिसेट हो जाएगा या ये रेजिस्टेंस को रिसेट कर देगा। अभी देखिए, इसने उस रेजिस्टेंस, उसने इस सपोर्ट को जबकि जब नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो हम सब कुछ डिलीट कर देंगे और वापस से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर से हम इसमें सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर हुई थी, तो इसके बाद फिर से देखते हैं, कहीं सपोर्ट बनने की कोशिश हुई, यहाँ पर ऊपर क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर कहीं, ओके, यहाँ पर कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर सपोर्ट जनरेशन की कोशिश हुई है, तो मैं इस लाइन को यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन है अपनी जो यहाँ पर आ गई, और नीचे जो लाइन मैंने मार्क कर दी है वो सपोर्ट लाइन मार्क कर दी है। ठीक है, तो ये इस कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर जो ये लाइन है सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन, उसके बाद रेजिस्टेंस लाइन। देखिए, रेजिस्टेंस लाइन थी, ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ आई, इसका मतलब फिर से वो लाइन इसके अंदर आने वाली है। इसका मतलब अभी भी जो मार्किंग हुई है वो गलत हुई है, इसका मतलब फिर से ये रीसेट होने वाला है। ठीक है, तो मैं फिर से सारी लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, और तब तक तो आप ऑब्वियसली वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये होते होते 2 बज गए हैं, और 2 बजे के बाद तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस मेथड से ना यहाँ ट्रेड मिला ना यहाँ ट्रेड मिला। ये 27 तारीख की थी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इस वाले कैंडल को अगर हम 29 तारीख को बात करें, तो 29 तारीख को करने की कोशिश करते हैं कि 29 तारीख को क्या हुआ। अभी देखिए, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं पता चला कि इसने भी इस कैंडल के हाई लो को टच नहीं किया। इसका मतलब अभी भी हम इसी आईपो के साथ चलेंगे कि हमें बाई करना है, और पहले लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो फिर से देखिए, ये जो 29 तारीख का दिन है, इस दिन क्या हुआ, हमें सबसे पहले सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करनी है। तो हमें सपोर्ट मिलेगा कहाँ पर, कहीं कहीं कहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ठीक है, ये एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है क्या, तो 83 एंड 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट बना, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ब्रेक करके ऊपर गया, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये जो कैंडल है, जो सपोर्ट बना, ये कैंडल है 11:55 की। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कहाँ पर आया, रेजिस्टेंस आया 11:55 के बाद। तो ये 1 मिनट, मैं सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन भी लगा देता हूँ, ये सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन अपनी। ठीक है, और जो ये लाइन है, उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम कहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर 36 63, यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 63, यहाँ पर 87। इसका मतलब इस लाइन, इस और इस कैंडल के बीच में जो 12:10 और 12:15 की कैंडल है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इसको थोड़ा, इन दो कैंडल्स के बीच में रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, और वो जो लाइन होगी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, वो इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन है वो एकदम करेक्ट बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1 मिनट, वो कैंडल कहाँ बनी थी, सबसे पहले वाली यहाँ पर बनी थी। हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपनी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन, और ये यहाँ पर इस कैंडल, इसके और इसके बीच में बनेगी अपनी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन। तो ये सब कुछ सही है, तो मैं इस वाले लाइन को मार्क करके हटा रहा हूँ। ठीक है, ये अपनी अभी रेंज। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बन गया, अब हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ये देखना है। तो ये वाली कैंडल आ गई जो है 12 बजे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नीचे जो यहाँ पर है, यहाँ पर 12 बजकर इस पे अपने पास वॉल्यूम आ गया है,
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, उसके बाद सेलिंग देखनी है तो यहाँ पर सेलिंग आ गई। और ये देखिए, एक मिनट, ये हटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जो ये कैंडल है कितने बजे की है, सेलिंग कैंडल आई है अपनी, ये कितने बजे आई है, इसका वॉल्यूम है 1,20,000, इसका है 1,26,000। तो ये आपका हो गया सेलिंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पर आप सेलिंग कैंडल बना दिया, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती। एंड खैर उसने मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की कि ये जो एंट्री थी, ये थी 448, 648, स्टॉप लॉस आपका होता 646 का, 2 रुपए का, ठीक है। अब जब ये खत्म होता मार्केट में, तो भी आपको ऑलमोस्ट 649 पे, मतलब हालांकि 3 रुपए ही मिलते, लेकिन देख सकते हैं कि ये एक बार भी उस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आया, ठीक है। तो ये इस मेथड का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड आपको बताया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो को आपको ना कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बताते हैं, सुनते रहते हैं, तो चीजें दिमाग में छपती रहती हैं, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो वो ना हमें वो सेलिंग कैंडल मिलती है, ना बाइंग कैंडल मिलती है, ठीक है। और रनिंग मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये सब चीजें करती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इस दिन अगर आप मान लो कर रहे थे, सबसे कितनी क्लोज क्लोज चल रहा था सब कुछ, तो पेशेंस के साथ वेट करना है। गलती से भी हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है, हड़बड़ी में आप ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस होगा, पक्की बात है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप और करेंगे तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे स्टॉक पर। लकीली मुझे ये इन्फोसिस एडिट था और मैंने बता दिया, तो इसमें वो वाला सिनेरियो भी आ गया कि जब ये लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो हमें उसको दोबारा से शुरू करना है। उसका मतलब होता है कि मार्केट में या तो सपोर्ट नहीं बना है ढंग से, या रेजिस्टेंस नहीं बना है, और उसको बनने में अभी टाइम लगेगा, तो हमें फिर से उसका वेट करना पड़ता है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपके कोई भी कमेंट है, सजेशन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, आई होप कि कल ही आ जाएगी, क्योंकि अभी 1:48 हो गया है रात का, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको एडिट करूंगा, तो एडिट करने में, उसको बनाने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब मैं सोऊंगा, तो आई होप कि मैं एक कल एक और वीडियो बना पाऊँ, जो कि रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग पर होगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। के जो भी कमेंट्स हैं, आप प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, और इसमें मैंने ट्राई किया है कि मैंने और जो भी आपकी लास्ट टाइम जो कंप्लेंट्स थी कि कैंडल्स नहीं समझ आती है, या मतलब मार्किंग सही से नहीं होती, तो मैंने आज वो इक्लिप्स वाला वो लेकर एक एक चीज को मार्क करने की कोशिश किया है। अभी भी कोई इश्यू है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं और फर्दर इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और जो फ्री वेबिनार होगा, उसका आपको डिटेल बहुत जल्दी दे दिया जाएगा, और वो इसी महीने में होगा, ठीक है। तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट या कुछ होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एनालिसिस कीजिए, और कोई भी इश्यू आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके या मैसेज करके बताइए। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।